हेलो गाइस, व्हाट्सअप, हियर इज़ प्रज्वल सिंह एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट योर केमिस्ट्री एंड हियर आई विल डिस्कस योर मोरालिटी। तो बच्चों, यहाँ पर मैं प्रज्वल सिंह हूँ और मैं आपका डिस्कशन करूँगा बच्चों मोलरता क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों, मोलरता को डिस्कशन करने से पहले हमने एक हेडिंग को डिस्कशन किया था, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज़ अ मोल फ्रैक्शन? तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन क्या होती है तो उसके विषय में हम आपका एक बार एक फार्मूला से देख लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने सपोज़ किया यहाँ पर कोई हमारा कंटेनर है। यहाँ पर बच्चों क्या है, सपोज़ किया कोई कंटेनर है और कंटेनर में बच्चा दो अवयव हैं। हियर इज टू कंपोनेंट ए एंड बी। द मोल ऑफ A is Na and the mole of B is Nb। बच्चों यहाँ पर हमने A का मोल Na मान रखा है और B का मोल क्या मान रखा है, Nb मान रखा है। तो अगर हमें कोई पूछे what is the fraction, mole fraction of A or what is the mole fraction of B, अगर बच्चों हमसे कोई पूछे कि आपका A का मोल fraction क्या होगा, तो आपको बच्चों बताना पड़ेगा किसी भी अवयव का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल और कुल मोल का क्या होता है, रेशियो होता है। किसी भी अवयव का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल और कुल मोल का बच्चों क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब जो निकल के आया एन ए अपान एन ए प्लस एन बी इक्वल टू क्या बच्चों, यक्स ए। क्या निकल के आया, यक्स ए निकल के आया। अगर बच्चों यहाँ से कोई पूछे व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो देन हियर वी कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इट विल बी हियर एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। बाय दिस फार्मूला यू कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इट विल बी योर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो हियर बाय दिस फार्मूला यू कैन से वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो हियर इफ वी वांट टू ऐड हियर एक्स ए प्लस एक्स बी देन वी कैन सी हियर इट विल बी हियर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी एंड हियर एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। आफ्टर एडिंग इट विल बी हियर, हियर इज योर डिनोमिनेटर इज सेम, तो देन हियर वी कैन राइट एन ए प्लस एन बी एंड आफ्टर एडिंग इट विल बी योर एन ए प्लस एन बी। हियर वी कैन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, सो इट विल बी योर कैंसल एंड आफ्टर आई हैव रिजल्ट वन देन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या बच्चों, वन। तो यहाँ पर बच्चों हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर विलयन होगा तो उसमें उपस्थित अवयवों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा बच्चों, एक के बराबर होगा। अगर हमारे पास दो अवयव होगा तो उनके भी मोल फ्रैक्शन का जो ऐड आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वन आएगा, और एक से ज़्यादा अवयव होंगे तो भी क्या आएगा, वन आएगा। तो यह डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो हियर नेक्स्ट हम बच्चों आपका देखेंगे कि मोलरता बच्चों क्या होती है, व्हाट इज़ द मोलारिटी। बच्चों यहाँ पर हम आपका देखेंगे कि आपका मोलारिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो आपको पता है कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर मोलारिटी। तो बच्चों मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता
कहलाती है, उसी क्या है बच्चा, मोलरता कहलाती है। हम इसमें अगर लिखना चाहें नंबर ऑफ मोल्स आप सैल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स आप सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। क्या बच्चों क्या कहलाएगी आपकी, मोलारिटी कहलाएगी। अगर यहाँ से हम देखें आपका मोलरता, अब मोलरता को बच्चों हम किससे शो करते हैं, मोलरता को शो करते हैं बच्चों हम कैपिटल एम से, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ बच्चों आपका लिख सकते हैं कि मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। तो बच्चों आपकी जो मोलारिटी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होती क्या है बच्चों, अभी हमने देखा कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, कहने का मतलब अतः बच्चों आपकी जो मोलरता निकल के आएगी, मोलरता बच्चों क्या, विलेय के मोल, क्या बच्चों विलेय के मोल मतलब क्या बच्चों एन अपान, विलेय के मोल एन अपान बच्चों क्या विलयन का, क्या बच्चों विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बच्चों किस में लेंगे आप, लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो हियर वी कैन राइट एम इक्वल टू एन अपान वीएन, इट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलारिटी। एंड हाउ टू कैलकुलेट मोल, तो मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, भार वेट अपान मॉलिकुलर वेट, क्या होता है बच्चों भार अपान क्या बच्चों मोलर द्रव्यमान, क्या कह सकते हैं बच्चों मोलर द्रव्यमान, या बच्चों आप क्या कह सकते हैं इसे, उसका हमें अणुभार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं आपका, मोलारिटी निकाल सकते हैं, बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट मोलारिटी। तो हियर वी कैन सी हाउ टू कैलकुलेट मोल, तो मोल इक्वल टू क्या वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो बच्चों यहाँ पर हम आपका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तो बच्चों ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आओ हम देखें। सबसे पहले पूछा बच्चों उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास बच्चों क्या है, वी हैव मोलरता बच्चों आपसे पूछ रखा है, और जिसके 450 ml मतलब जो विलयन का आयतन दे रखा है बच्चों वो क्या देखा दे रखा है, तो 450 ml, और इसको बच्चों ml को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 450 × 10⁻³ - 3 लीटर होगा। अगर बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रखा है 450 ml में NaOH के 5 ग्राम घुले हो, तो जो विलेय की मात्रा दे रखा है बच्चों W क्या दे रखा है आपसे, 5 ग्राम दे रखा है। और आपको पता है कि जो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या बच्चों हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू क्या होता है आपका, यम इक्वल टू मोल अपान विलयन का आयतन। तो चलो लेकिन यहाँ पे मोल पता है, मोल नहीं पता है, इसलिए हमको क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आप मोल को कैलकुलेट कर लेते, एन बराबर क्या होगा बच्चों पदार्थ का भार, तो पदार्थ का भार बच्चों क्या दे रखा है 5 ग्राम, और अपन मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो Na क्या होता है बच्चों 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है।
तो इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 23 और 16 और प्लस 1, 16 एक बच्चों क्या 17 हो गया और 23 17 कितना 40 हो गया, कितना आ गया बच्चों 40 आ गया, 40 ग्राम पर मोल आ गया बच्चों। तो ये आपके क्या आ गए, इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। अब इसको यहाँ पर रखे बच्चों, तो क्या रख दिए 5 पान बच्चों 40, तो पान अड़ 40, तो कितना आ गया बच्चों 1/8 आ गया, मतलब मोल बच्चों क्या आ गया 1/8 आ गया। तो यहाँ पर हमने मोल क्या रख दिया आपका, यम इक्वल टू यन का वैल्यू 1/8 रख दिया इंटू हमने जो विलयन का आयतन रखा बच्चों, कितना रखा आपका, क्या रख रहा है बच्चों आपका विलयन का आयतन 450 गुणे 10^-3 और ये बच्चों ऊपर जाएगा तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000/8×450 00 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका डाटा आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 100/8×45 तो इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, मोलरता निकल आएगी। बाय दिस डाटा इफ यू सॉल्व सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे आपका आंसर कितना निकलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन शेयर वाया व्हाट्सएप आर डिस्क्रिप्शन, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या डिस्क्रिप्शन द्वारा हमसे क्या बता सकते हैं, हाँ हियर इज अ प्रॉब्लम सॉल्व इट। तो बच्चों आपका हम देखेंगे, अब बात करेंगे बच्चों आपका मोलरता, मोलालिटी। तो बच्चों मोलालिटी क्या होता है, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसे क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको विलयन नहीं लेना है, आपको विलायक लेना है। क्या लेना बच्चों, विलायक लेना है, विलायक का द्रव्यमान लेना है। क्या लेना आपको, विलायक का द्रव्यमान। तो आप कहेंगे जब भी आपसे कोई पूछे कि मोलरता क्या होती है, मोलरता के संबंध में आप बताएंगे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। आप क्या लिखेंगे बच्चों, मोलरता इक्वल टू 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या उसकी बच्चों क्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, उसकी मोलरता कहलाती है। तो इसको अगर हम प्रेजेंट करना चाहें, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लिखते हैं बच्चों स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको बच्चों हम लिखना चाहें इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप सैल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स आप सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में उपस्थित, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की बच्चों मोलों की संख्या उसे क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों किससे, स्मॉल एम से, किससे प्रदर्शित करते हैं हम, स्मॉल एम से। और स्मॉल एम इक्वल टू बच्चों क्या, मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किसे बच्चों, केजी में। तो मोल इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, मोल इक्वल टू बच्चों आपको पता है क्या होता है, W/m।
तो ये बच्चों आप यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इसका क्या निकल के आया, फार्मूला निकल के आया। क्या निकल गया बच्चों, आपकी मोललता की फार्मूला निकल के आई। अगर आपसे कोई पूछे इसका मात्रक यूनिट क्या होगा, मोल अपान क्या लिखे बच्चों, केजी। अगर आपसे कोई पूछे इसका मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट, तो यूनिट हियर यू कैन से मोल अपान केजी, इट इज द यूनिट ऑफ योर मोलालिटी। तो ये बच्चों आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलालिटी क्या होती है। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है 75 ग्राम बेंजीन में, तो जो बेंजीन की मात्रा दे दिया बच्चों, क्या दे दिया है, जो बेंजीन दे दिया है मतलब क्या, C6H6 कितना दे रखा है बच्चों, 75 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम क्या है, एथेनोइक अम्ल है। क्या बच्चों, एथेनोइक अम्ल है, जो आपका एथेनोइक अम्ल है मतलब क्या, CH3COOH, इसकी जो मात्रा दे रखा है बच्चों कितना है आपका, 2.5 ग्राम है। क्या है बच्चों, 2.5 ग्राम है। और आपसे पूछ रखा है कि आप बताइए इसकी मोललता क्या होगी, क्या होगी बच्चों, मोललता क्या होगी। आप मोललता इक्वल टू जानते हैं क्या, मोल क्या जानते हैं बच्चों, मोल अपान विलायक का द्रव्यमान किसने बच्चों, केजी में। तो मोल क्या है बच्चों बताइए, सबसे पहले देखिए बच्चों, ये विलय है आपके, इसकी मात्रा कम थी, विलय होगा तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल बराबर क्या होता, पदार्थ का भार तो 2.5 दे रखा है आपको, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकले बच्चों, मोलर द्रव्यमान बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ देखिए बच्चों, निकाल दे रहा आपका CH3COOH का जो मोलर द्रव्यमान निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चों, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2 हाइड्रोजन, 3, 1, 4 कितने बच्चों, H4, और ऑक्सीजन कितने, O2। तो इसका बच्चों निकालेंगे तो कार्बन क्या है, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन बच्चों 1 × 4 और प्लस ऑक्सीजन का क्या बच्चों, 2 × 16। तो 12 × 2 = 24 प्लस 4 × 1 = 4 प्लस 16 × 2 = 32। तो ऐड करेंगे बच्चों तो 4 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, 0 हाथ में बच्चों 1, 3, 2, 5, 1, 6 कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो मोल क्या निकल बच्चों, 2.5 अपान कितना आ गया, 60 आ गया। और आपको विलायक का द्रव्यमान क्या दे रखा, 75 ग्राम है बच्चों, इसे केजी में बदलेंगे तो 75 × 10⁻³ - 3 kg आएगा। क्या आएगा बच्चों, 75 × 10⁻³ आएगा। इसे आप रखिए तो क्या आएगा बच्चों, 2.5 / क्या, 60 × और ये कितना आएगा बच्चों, 75 × 10⁻³। और इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो यम इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 2.5 / 60 × 75। और ये बच्चों ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻³। तो ये बच्चों आपके सामने डाटा निकल के आई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा हम सॉल्व कर देते बच्चों, 2.5 और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1000 अपान 60 × क्या बच्चों, 75। तो 0, 0 क्या आ गया बच्चों, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 × 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 25 × 10 अपान 6 × क्या बच्चों, 75। 25 × 3 = 75, 3 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 मतलब क्या आ गया बच्चों, 5/3 = क्या, 9। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका निकल आएगा बच्चों, इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका डाटा निकल आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपका क्या पढ़ लिया कि आपकी मोलरता क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है। इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, आपकी आपकी मोललता क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है। तो दोनों हेडिंग के हम आपके न्यूमेरिकल्स कर लिए और थ्योरी कर लिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।